जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 के ऑनलाइन फॉर्म है वो, उसकी डेट है वो चली गई है। ऐसे में व्यक्तियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम कब तक होगा, कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म इस बार बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में अप्लाई हुए। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको लेकर मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं कि टोटल फॉर्म कितने भरे थे, कब आप लोगों का एग्जाम होगा, साथ ही पिछला जो कट ऑफ है वो कितना रहा था और पिछली भर्ती आप लोगों की कब आई थी, किस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। काफी ज्यादा बच्चे हैं वो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर जो आपका बीएसएफ का रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपका काफी लंबे समय के बाद में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर आप भी बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर, मिनिस्ट्रियल क्लर्क के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी ज्यादा दोस्तों आप लोगों के लिए उपयोगी ये वीडियो रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में जुड़ी, रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में कि टोटल आपकी जो वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी, तो टोटल आपकी इस बार 323 वैकेंसी है बच्चों, 323 वैकेंसी है। वैकेंसी हेड कॉन्स्टेबल में इतने ही पदों पर आती है, जबकि इससे पहले जो आपका रिक्रूटमेंट 2017 में हुआ था उसमें तो दोस्तों 150 के लगभग ही आप लोगों की वैकेंसी थी। अब बच्चों बात करते हैं दोस्तों, इसमें 323 वैकेंसी थी तो इसका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जितने भी फोर्सेज है उनमें सबसे पहले बच्चों फिजिकल करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बीएसएफ के लिए अप्लाई किया है हेड कॉन्स्टेबल क्लर्क के लिए तो आपका सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, रिटर्न होगा। तो बिल्कुल बच्चों आप देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बच्चों आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। जी हाँ बच्चों, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न के बेसिस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और जिन जो बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई होंगे उनका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग में जो बच्चे पास होंगे उनका फाइनली मेडिकल यहां पर होने वाला है। दूसरी बात, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है तो आप 100 के 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए इसकी जो भी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहती है। लेकिन पेपर के लेवल के ऊपर भी बात करेंगे, 2017 में जब इससे पिछला आपका रिक्रूटमेंट आया था तो उसकी कट ऑफ कितनी रही थी बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जाम डेट आपकी क्या रहने वाली है। उससे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की असम राइफल की काफी अच्छी गाइड आ चुकी है जो कि टेक्निकल और ट्रेड्समैन दोनों के लिए है, और अभी ट्रेड्समैन का फिजिकल चल रहा है और रिटर्न की डेट भी आ चुकी है असम राइफल वाले बच्चों के लिए, तो काफी अच्छी बुक है, आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं यहाँ पे हम कि आपका जो बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें कट ऑफ किस प्रकार रहती है। सबसे पहले पिछली जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हेड कॉन्स्टेबल की कट ऑफ कितनी रहती है, कितनी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बच्चों बात करते हैं 2017 की कट ऑफ के बारे में, तो 2017 में इससे पहले आपका जो रिक्रूटमेंट आया था वो 2017 में आया था, 5 साल पहले बच्चों रिक्रूटमेंट आया था। और उसकी जो कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ है वो 75 रही थी। जी हाँ बच्चों, 75 कट ऑफ रही थी। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पहली बात, तो दूसरी बात इसका ऑफलाइन पेपर होता है, और 2017 में जो पेपर आया था उसमें काफी ज्यादा गलतियां थी जिसके कारण बच्चों को बोनस अंक मिल गए थे। हो सकता है दोस्तों मैं आपको बता दूं एज एग्जाम्पल कि किसी पेपर में आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हुए तो बच्चों के 5 नंबर डायरेक्टली उसे बोनस दे दिया गया था, जिनके 70 नंबर थे उनके डायरेक्टली 75 हो गए, इस प्रकार उनके नंबर बढ़ गए थे जिसके कारण उनकी कट ऑफ हाई रही थी। लेकिन बच्चों 2017 और 2022 की अगर बात करें तो कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन हर साल बढ़ता ही जाता है और कट ऑफ भी हर साल कुछ न कुछ परसेंट इंक्रीज होती रहती है। तो ये 2017 की कट ऑफ है। अगर बात करें 2017 में ओबीसी की जो कट ऑफ थी आपकी वो रही थी दोस्तों 70 70, 70 नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ था फाइनली तौर पर। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ रही थी वो रही थी आपके यहां पर 65,
और एसटी की जो कट ऑफ थी वो रही थी 58। ये आपकी जो कट ऑफ है ये रही थी दोस्तों 2017 में जो आपकी भर्ती हुई थी उसमें, और ये कट ऑफ दोस्तों अप्रोक्स कट ऑफ है, अप्रोक्स कट ऑफ इन्हीं के आसपास रही थी। जितने भी बच्चे हैं उनका सर्वे के बाद के माने सर्वे में आपका हुआ था उसके बाद पता चला है कि इन्हीं के आसपास 2017 में कट ऑफ रही थी। अब आती है दोस्तों 2022 में, 2022 में अगर कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों कट ऑफ आपकी इससे कम तो किसी भी हाल में नहीं रहेगी, क्योंकि 5 साल में काफी कंपटीशन बढ़ गया है। अगर बात करें इस बार कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, कितने नंबर आप लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको कम से कम स्कोर करना होगा बच्चों, कम से कम आपको कम से कम 82+ आपको स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 80+ आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर है वो 78+ स्कोर करना पड़ेगा। एसटी अगर आप कैंडिडेट है तो आपको 72+ स्कोर करना पड़ेगा। इतनी कट ऑफ तो रहेगी क्योंकि 5 साल में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अब बच्चों बात करते हैं एग्जाम डेट की। आप लोगों का सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम कब तक होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल चल रहा है और फिजिकल कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में बीएसएफ ट्रेडमैन वाले बच्चों की डेट आ चुकी है, उनका एग्जाम है वो नवंबर में होगा, तो आपका तो एग्जाम नवंबर में हो नहीं सकता, लेकिन इनका जो एग्जाम होगा ट्रेडमैन वाले बच्चों का वो नवंबर में लगभग 19 या 20 तारीख के लगभग होने की चर्चा है, यहाँ पे बात चल रही है। तो नवंबर में अगर उनका होगा तो लगभग नवंबर या तो लास्ट में, नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में बच्चों आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन है वो बीएसएफ कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आपके पास में बहुत कम समय बचा है, मात्र 2 महीने का समय बचा है। इस 2 महीने में आप अच्छी तैयारी करके बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चों। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।